यहाँ ब्रेकर नहीं रहने की वजह से बहुत हादसे होते हैं, हमारे सामने होते हैं, हमारी ऑफिस है, इतने हादसे होते हैं कि क्या बताया जाए। हर दूसरे दिन पे कोई ना कभी बाइक वाला टूटता है, कभी फोर वाला टूटता है। अभी एक साल भी नहीं हो रहा, हमारे आग के सामने पिकअप बोलने ने झोपड़े के बच्चों को ऊपर गाड़ी चला दिया। हमने लेटर भी डाला, लेटर के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। महानगर पालिका में जाओ बोलते हैं उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, बड़ी गाड़ियाँ आने आती जाती रहती हैं, एक्सीडेंट आए दिन होता है। यहाँ पे एक भी ब्रेकर की व्यवस्था नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, महानगर पालिका है कि क्या है? यहाँ पे ब्रेकर का नाम की कोई चीज ही नहीं है, और राइडर और पायलट तो इतने हैं कि दिन दहाड़े कोई भी उड़ जा रहा है। दिन में दो बार, तीन बार, चार बार गाड़ियाँ लड़ते ही रहती है। कभी बाइक वाले, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, ये इससे जो है कि यहाँ पे ब्रेकर ना होने की वजह से बहुत तकलीफ है। इस तकलीफ को दूर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम यहाँ फातिमा नगर 60 फीट रोड के सामने खड़े हैं, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ब्रेकर नहीं है, एक भी ब्रेकर नहीं है। ये रोड जो है एसटी स्टैंड से लेकर गायत्री नगर पुलिस चौकी तक के, लेकिन यहाँ पर जो भी है एक भी ब्रेकर नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। और ये जो है एक एक्सीडेंटल जोन बन चुका है, यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, इसमें यहाँ पर जो रोड पे पट्टा मारा गया है डिवाइडर कट होने के बाद भी, वहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, ना रुकने का, ना गाड़ी स्लो करने का, ना टर्न का कोई सिंबल नहीं है। इसमें जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे ये काम कॉरपोरेशन का हो, चाहे MMRDA के द्वारा हो, लेकिन इसमें जो है एक लापरवाही देखने को मिलती है। इसके सीधे सीधे जिम्मेदार म्यूनसिपल कमिश्नर है, मेयर मैडम है, और जो सिटी इंजीनियर है वो है, उनकी ये लापरवाही है। अगर ब्रेकर की हम बात कर ले तो यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, उनका कहना है कि आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं, लोग जख्मी होते हैं और लोगों को जो है मार लगती है। तो इसके ऊपर अब देखना है कि कॉरपोरेशन का कितना ध्यान रहता है और कितना ध्यान देती है, कॉरपोरेशन इस पर कैसे काम करती है। हमने जो स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आए दिन टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, बड़ी गाड़ियाँ आने आती जाती रहती हैं, एक्सीडेंट आए दिन होता है। यहाँ पे एक भी ब्रेकर की व्यवस्था नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, महानगर पालिका है कि क्या है? उनको समझना चाहिए। आए दिन जब एक्सीडेंट, एक साल पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, जो कि फोर व्हीलर गई उसके ऊपर से, और बच्चे का इंतकाल जगह पर हो गया, डेथ हो गया। अभी तक उसका कुछ भी नहीं है। नई मंसारी भाई जो हो सका किए, हमारे नगर सेवक भी सहायता करते रहते हैं बीच बीच में, और यहाँ लोग नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो ट्रैफिक लग जाती है, यानी ब्रेकर की वजह से गाड़ियाँ इतनी रफारफ तेज़ में लोग चलाते हैं। आज के लोग नवयुवक हैं जो इतनी तेज़ चलाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। तो पहले ब्रेकर था क्या? नहीं, पहले ब्रेकर नहीं था, अभी था ही नहीं ब्रेकर, कभी ब्रेकर नहीं था यहाँ पे। पहले तो रोड गड्ढा गुड्ढी था, अभी तो RCC बना है, अभी ब्रेकर है नहीं। हमारे ख्याल से यहाँ ब्रेकर बन जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट जो होते हैं, गाड़ियाँ स्लो चलेंगी। ब्रेकर अगर बन गया तो गाड़ियाँ स्लो चलेंगी, सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम फाम भाई, अपना एरिया नया गाँव फातिमा नगर रोड पड़ता है ये, और ये स्पोर्ट रोड है। यहाँ पे ब्रेकर के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और राइडर और पायलट तो इतने हैं कि दिन दहाड़े कोई भी उड़ जा रहा है। इसके लिए कोई उपाय निकालो। यहाँ ब्रेकर ना होने की वजह से बहुत एक्सीडेंट होते रहता है, हफ्ते में एक दो एक्सीडेंट तो होते रहता है भाई। बहुत ज़रूरी है ब्रेकर यहाँ पे, एक्सीडेंट होते रहते, बहुत ज़्यादा ही होते रहता है भाई। तकलीफ है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है भाई, यहाँ ब्रेकर बहुत ज़रूरी है। ब्रेकर ना होने की वजह से आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है, और आए दिन दिन में दो बार, तीन बार, चार बार गाड़ियाँ लड़ते ही रहती है। कभी बाइक वाले, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, ये इससे जो है कि यहाँ पे ब्रेकर ना होने की वजह से बहुत तकलीफ है। इस तकलीफ को दूर किया जाए। भाई मेरा नाम नई मंसारी है, मैं फातिमा नगर RPI एकतावादी का वार्ड अध्यक्ष हूँ, जिम्मेदार भी हूँ। यहाँ ब्रेकर नहीं रहने की वजह से बहुत हादसे होते हैं, हमारे सामने होते, हमारी ऑफिस है, इतने हादसे होते हैं कि क्या बताया जाए। हर दूसरे दिन पे कोई ना कभी बाइक वाला टूटता है, कभी फोर वाला टूटता है। अभी एक साल भी नहीं हो रहा, हमारे आग के सामने पिकअप बोलने ने झोपड़े के बच्चों को ऊपर गाड़ी चला दिया। हमने लेटर भी डाला, लेटर के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। महानगर पालिका में जाओ बोलते हैं उनके पास जाओ, उनके पास जाओ।
हम ये चाहते हैं कि ये अनमोल से लेके आप कमिश्नर से मिले। नहीं, हम कमिश्नर से, हम कमिश्नर को लेटर दिए, लेटर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खाली आश्वासन दे रहे हैं। और मतलब जैसे लगता है कि हमारी जान एक खिलौना हो गई है कॉर्पोरेशन की। हाँ, ये हमारे इरफान होटल है, 100 फीट का रोड है सर्कल। हमको ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द यहाँ ब्रेकर बने। आप क्या चाहते हो नईम भाई, कि यहीं सिर्फ ब्रेकर बने कि यहाँ से लेके ऊपर तक के ब्रेकर नहीं, मतलब जो एसटी स्टैंड से लेके भाजी मार्केट, बाबा होटल, चांदरा, ये पूरा ब्रेकर बनना चाहिए। कुछ गैर कानूनी भी ब्रेकर रातों रात बनाया गया है। चांदरा में भी ब्रेकर बना तो हमारे यहाँ ब्रेकर क्यों नहीं है? या फिर वो रिश्वत लेके बनाया गया है? मतलब हमारी जान की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं है।